हेलो हेलो इस देश में बहुत सारे कानून हेलो सभी से जोड़ के निवेदन है स्टेट खाती का बैठ बैठ बोल जरूरी है हेलो अरे बैठ जाओ रे काम बैठ जाओ रे बैठ जाओ रे बैठ जाओ रे बैठ जाओ रे आप ही बैठ जाओ रे बैठ जाओ रे आप ही माला खाली ना हाँ माला होगा बैठ जाओ रे नहीं ये आंदोलन का टाइम है आंदोलन के टाइम पे माला सभा नहीं चलता आंदोलन के टाइम पे तो जोश और जुनून चलता है ये जब आंदोलन शुरुआत हुआ दिल्ली बॉर्डर पर जब किसानों ने धरना चालू किया तो भी तब समय आपका भाई नरेश मीणा अपने खेतों पर अपने गांव में काम कर रहा था। मेरे बहुत सारे युवा साथी छात्र साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और फोन के माध्यम से मुझे अवगत कराया कि भाई साहब इस देश में किसानों का एक आंदोलन चल रहा है उसमें आपकी भागीदारी जरूरी है हम सब लोग आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और आपको आंदोलन में आना चाहिए। आपके भाई मेरे जब किसान आंदोलन में जब सही किसान मोर्चा के तत्वाधान में जब एक कॉल दिया गया कि 26 जनवरी को पूरे देश से किसान दिल्ली पहुंचेंगे ट्रैक्टरों को लेकर तो आपका भाई भी राजस्थान से सबसे पहले ट्रैक्टर परेड में दिल्ली पहुंचा और उस लाल किले पर भी पहुंचा जो इस पूरे आंदोलन में चर्चाओं का विषय रहा। उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों जब कॉल दिया गया जब जिस दिन राकेश जी टिकैत साहब की गिरफ्तारी होने की प्लानिंग की गई इस आंदोलन को कुचलने की प्लानिंग की गई इस आंदोलन को बंदूक और भाई वो शख्स है जो सबसे पहले राकेश टिकैत साहब के आंसू पहुंचने सुबह 5 बजे बॉर्डर पर पहुंचा। मेरे प्यारे भाइयों ये राजस्थान का युवा भी पीछे नहीं है और ये आज रेल रोको का आंदोलन है अभी तक रेल ट्रैक हमारा और हमारे बाप का ना मोदी का है ना अशोक गहलोत का है। मित्रों ये लड़ाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ है लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है और उस नरेंद्र मोदी के खिलाफ है दोस्तों जो निजीकरण के नाम पर आपके आरक्षण को खत्म करना चाहता है जो निजीकरण के नाम पर इस देश के एसटीएससी ओबीसी का आरक्षण को खत्म करना चाहता है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है दोस्तों जो भगवान राम वो अयोध्या का राम वो सबरी का राम वो दोस्तों हनुमान का राम वो जामंत का राम उस राम को भी हम लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और ये अगर एक किसान आंदोलन नहीं होता तो इस राम के नाम पर इस तरह से भीख मांगते डाल रहे हैं दोस्तों या आज जो राम के नाम पर भीख मांग रहे हैं दोस्तों उनको भी आपको इलाज करने की जरूरत है मेरे भाइयों। नाम राम हमारा भी है राम जितना इनका नहीं है राम हमारा भी है भगवान आपको हम भी मांगते हैं दोस्तों लेकिन भगवान को बेचने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी को भगवान का ठेका नहीं लेने देंगे दोस्तों। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों आज हम जो आंदोलन चला रहे हैं इस राजस्थान की राजधानी जयपुर से हम लोग 3 जगह में अपना मैसेज देना चाहते हैं मेरे भाइयों। एक नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री को कि जितना जल्दी हो सके काले कानून वापस ले ले। आज हम काले कानून वापसी की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी अगर ऐसा काले कानून वापस नहीं हुए तो तुझे कोई बीजेपी का झंडा लगाने वाला नहीं छोड़ेंगे राजस्थान बीजेपी का वोट मांगने वाला नहीं मिलेगा नरेंद्र मोदी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक संदेश हमारा उनके पास जाना चाहिए नरेंद्र मोदी के पास और दूसरा संदेश राजस्थान की राजधानी जयपुर से मेरे जवान भाइयों उन राकेश टिकैत से शहीद किसान मोर्चा के जो हमारे नेता जो बॉर्डर में बैठे हैं उनके पास भी जाना चाहिए जिस तरह से राकेश टिकैत ने आपके भाई का हाथ पकड़ के कहा था कि नरेश राजस्थान में भी कुछ करो। आज ये मैसेज चला जाना चाहिए कि जो नरेश मीणा राकेश टिकैत को भरोसा देके गया शहीद किसान मोर्चा को भरोसा देके गया वो आज नरेश मीणा ने जयपुर में साबित कर दिया एक आवाज वहां जानी चाहिए मेरे भाई। और तीसरा संदेश आज भी जो हमारे गांव में जो किसान भाई सोए पड़े हैं आज भी हमारे लोग जो मरे पड़े हैं आज हजारों की तादाद में हमारे कर्मचारी अधिकारी लोग बैठे हुए केवल सोशल मीडिया फेसबुक पर केवल 2-4 शब्द लिखते हैं मेरे भाइयों लेकिन वो आज जगह नहीं है वो आज करंट से बाहर नहीं निकला है। इसलिए मेरा दोस्त ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो तीसरा जो हम किसान जो सोए पड़े जो कर्मचारी जो बैठे पड़े जो किसानों की दम पर किसान की रोजी की दम पर रोकने लगकर जो बैठे उन सबको हम जगाना चाहते हैं और सबसे कहना चाहते हैं कि आप जगोगे ना जगो किसान जगेगा ना जगे जो राजस्थान का जवान है जग चुका है और ये नरेंद्र मोदी को काले कानून वापस करा के रहेगा एमएसपी का गारंटी का कानून बना के रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों आज हमने जब हुंकार रैली भरी है तो सब लोगों का ये मानना कि नरेश मीणा गरम दल का नेता है नरेश मीणा भगत सिंह को फॉलो करता है ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई। नरेश मीणा तो भगत सिंह के साथ साथ महात्मा गांधी को भी मानता है। नरेश मीणा तो इस राजस्थान की राजधानी और नई जगह 7-7 दिन तक भूख हड़ताल करी है 7-7 दिन
तक आमरे नजर में बैठ के भी अपने छात्रों को अपने युवा साथियों को मैंने न्याय दिला है। मैं आपसे दोस्तों जिस तरह से राकेश टिकैत जी और संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे जो नेता आपसे शांति मांग रहे हैं, वैसे नरेश मीणा भी इस आंदोलन को चलाने के लिए, क्योंकि आंदोलन लंबा चलेगा, और इसलिए मैं आपसे भी शांति की अपील करता हूँ कि आज जो इतनी, क्योंकि आप मैं जानता हूँ जवानों में जोश होता है, जवानों में जुनून होता है, आप आज सोच के आए हो कि कुछ ऐसा करेंगे जो पूरा देश हमें देखे, लेकिन मेरे भाइयों करेंगे तो सही, आपने कर दिया। जितनी ताकत में आप खड़े हो, जितनी तादाद में आप आए हो, आपने दिखा दिया कि हम हर तरह से तैयार हैं। जहां नरेश खून मांगेगा हम खून देने के लिए तैयार हैं, नरेश जो कहेगा तो जान देने के लिए तैयार है, ये आज आपने साबित कर लिया। लेकिन नरेश को आज आपका ना तो खून चाहिए, ना दोस्तों आपकी जान चाहिए, नरेश को तो आपका शांति मार्च चाहिए। सुख शांति से हम जाके ट्रेन पर जाएंगे, ट्रैक जाम करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मेरी अभी पुलिस के अफसरों से बात हुई है, मैंने माननीय हनुमान जी मीणा जो एडिशनल एसपी को यहाँ ड्यूटी पर लगाया हुआ है, उन्होंने कहा कि आपका क्या प्रोग्राम है, हमारा बनकर यहाँ पे है, और हमें 4 घंटे आज ट्रेन की पटरी पर रहने का अधिकार मिला है। 4 घंटे हमें संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रेन की पटरी पर रहने का मौका दिया है। तो मैंने उनसे कहा कि साहब मेरी इच्छा तो यह कि आज हम दिल्ली ट्रेन टू ट्रेन पटरी टू पटरी दिल्ली जाए, हम लोग पटरी टू पटरी दिल्ली जाए। लेकिन मेरे भाइयों, दिल्ली हम पहुंच नहीं पाएंगे। अब जगतपुरा में ट्रेक पर बैठ कर अगर इतने सारे लोग ट्रैक पर बैठेंगे तो ट्रैक पर बैठने में नहीं आएगा। और दूसरा, मोदी को भी बताना चाहते हैं कि हम आए तो कैसा क्या हो, क्या करें। मेरा ये सुझाव है कि क्यों ना जगतपुरा फाटक से हम गवर्नर को ज्ञापन दे रहे, रेल टू रेल जाए। सहमति है, सारे लोग चलेंगे। राज्यपाल को ज्ञापन, क्योंकि ज्ञापन तो हम 5 जने जाके भी दे देते, लेकिन वो बात किसी को पता नहीं चलती कि आप राज्यपाल भी मोदी का है, वो पता नहीं बात को पहुंचाता कि नहीं पहुंचाता। इसलिए वो ज्ञापन की आवाज जाए कि नहीं जाए, पर मीडिया के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी को अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, किसी तरह का ट्रैक पर कोई पत्थर इधर से इधर नहीं हो, ये गारंटी दो, गारंटी दो। आपको किसानों की सौगंध है, आपको नरेश मीणा की सौगंध है, हम ट्रैक पर जाएंगे, सारे साथी चलेंगे, 10 किलोमीटर का जगह रूट है, 10 किलोमीटर चलोगे। किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए, और मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को ले लेके डोल रही है और सभाएं कर रही है, भाषण दे रही है, वैसे तो इन्होंने भी हमारा भला तो किया नहीं है, लेकिन अभी हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी से है, बीजेपी से है, और हम एक ही जगह टारगेट रखना चाहते हैं, आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, आदरणीय पुलिस प्रशासन, आपसे नरेश मीणा का हाथ जोड़ के मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि जो ये लोग शांति से, ये जो युवा साथी शांति से जो गवर्नर को ज्ञापन देने जाएंगे ट्रैक टू ट्रैक, हमें किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हम नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, फिर अशोक गहलोत से लड़ना पड़ेगा।